नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एमएससीपी और पेंशन के मामले में सैनिकों और सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने गुमराह किया है। ये एक वायरल लेटर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। गलत आंकड़े पेश किए गए थे। इस वीडियो में बात करेंगे उन आंकड़ों की जिन्हें मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने ट्विटर हैंडल से साझा किया है और लिखा है, गवर्नमेंट हैज़ वर्कड आउट highly erroneous estimates for implementation of ORP at maximum rates of ranks and groups, details enclosed. Government has not been fair to its soldiers. Honorable Prime Minister or Raksha Mantri are requested to reconsider. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो साहब ने लिखा है और जो आंकड़े साहब ने वर्कआउट करके दिए हैं, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो गलत हैं। साहब ने अपने खुद आंकड़े कैलकुलेट किए हैं और उन्होंने बताया है कि ये जो डिटेल्स हैं जो मैंने इनक्लोज की हैं मेरे ट्विटर हैंडल से, ये सही हैं और गवर्नमेंट इन पे तवज्जो दे। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है जैसे कि सरकार ने हम सैनिकों को चुप करने के लिए एक गुमराहपूर्ण तरीके से मैं चुप करने की कोशिश की है। दोस्तों, इन आंकड़ों से देखकर पता चलता है कि कितना वेरिएशन गवर्नमेंट के आंकड़ों में और जनरल साहब के आंकड़ों में है। आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। दोनों ही चिट्ठियां आपके सामने हैं, आप दोनों चिट्ठियों को पढ़ें और एवलेट करें कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, ये जो भी आंकड़े गवर्नमेंट ने साझा किए हैं वो सभी रॉन्ग आंकड़े हैं एज़ पर द मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब सेना मेडल। दोस्तों, अगेन आई विश टू थैंक्स जनरल सतवीर सिंह सेना मेडल फॉर दैट ही सेंट ए रिटन रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर एंड रक्षा मंत्री। दोस्तों, इन दोनों लेटर्स को जब आप देखोगे और कंसीडर करोगे तो पाओगे कि कितना खर्चा आया है। दोस्तों, इन दोनों लेटर्स को आप लोगों ने थोरोली पढ़ना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि कितना वेरिएशंस इन दोनों लेटरों के आंकड़ों में है और एमएससीपी एसीपी फॉर प्री 2006 पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इस बजट को लेकर सुप्रीम कोर्ट को और सैनिकों को सरकार ने गुमराह किया है। जनरल साहब हमेशा से ही सोल्जर्स एक्स सर्विसमैन के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि आपका एंटरटेनमेंट आपको मिले। दोस्तों, इस पर हमारी तीनों सेनाओं के बड़े अहदे पर रह चुके अधिकारी और अच्छे एक्सपर्ट भी जनरल सतवीर साहब का साथ देते नज़र आ रहे हैं। आप जनरल सतवीर साहब के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो पाएंगे लोगों के बीच एक बहस छिड़ गई है इस पॉइंट ऑफ मिसलीडिंग बाय द गवर्नमेंट टू सोल्जर्स के ऊपर। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट हमारी सेनाओं के अनुशासन का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में हम ऐसे बंधे हुए हैं कि ना तो हम स्ट्राइक कर पाते हैं और ना ही हमारे पास पावरफुल संगठन हैं। अदरवाइज आप सिविल एम्प्लॉय को देखेंगे तो पाएंगे कि वो कर्मचारी अपनी सभी मांगें गवर्नमेंट से अच्छी तरह मनवा लेते हैं। बहरहाल, हमारी शान है हमारा अनुशासन और हमारी डिफेंस, और हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हमारे टैनी संगठन को पॉलिटिशियन प्रेशर के चलते या प्रलोभन के भ्रम में चुप करवा दिया जाता है और फिर हमारी डिमांड्स और हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स रिफ्यूज्ड और इन पेंडिंग्स चलती रहती हैं। You are requested, please read thoroughly both letters I shared on Telegram channel. Please put your comments. That's all for in this video. Jai Hind for the next.